इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर में खराब हुए मौसम से जुड़ी हुई है। कल से दिल्ली एनसीआर में बिगड़ा मौसम का मिजाज आज और भी खराब दिख रहा है। दिल्ली में रात से हो रही रुक रुक कर बारिश ने कई जगह पर हालात खराब किए हैं। वहीं नोएडा में बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। बारिश के चलते पिछले कई दिनों से सामान्य हो चुके तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा में बारिश के साथ कई जगह पर ओले भी पड़े हैं। और मेरी सहयोगी पायल आपको ज़्यादा जानकारी देगी। पायल, मौसम विभाग क्या कह रहा है, ये मौसम क्यों बिगड़ा हुआ है और कब तक मौसम ऐसा रहेगा दिल्ली एनसीआर में? बिल्कुल प्रवीण, और मौसम विभाग ने भी इस चीज की चेतावनी दे दी थी कि इस तरीके से बारिश होगी दिल्ली और आसपास के इलाकों में। और हिमाचल और शिमला की बात की जाए तो वहां पर चेतावनी ये भी दी गई है कि स्नोफॉल होगा, और क्योंकि पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल होगा तो उसका असर यहां दिल्ली आसपास के राज्यों में भी नजर आएगा। आज मौसम विभाग का कहना है कि जोरदार बारिश हो सकती है, थंडरस्टॉर्म भी देखने को मिल सकते हैं, ओले भी पड़ सकते हैं कई जगहों पर, जैसा कि मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट किया है। अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहेगा। प्रवीण, आपको बता दें कि कल बारिश होने की वजह से वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जो दिल्ली में आयोजित किया गया है उसमें काफी परेशानी हमने देखी। वहां पे पूरा जो एरिया है वो यमुना बैंक पर स्थित है और इसीलिए पूरे वेन्यू में कीचड़ और पानी आपको पूरी तरह नजर आएगा, और किसी भी तरीके के वहां पे इंतजाम नहीं है कि आप बारिश से वहां पे बच सके। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। और किस तरह की दिक्कतें पायल देखने को मिली है, क्योंकि दिल्ली में कुछ बड़े कार्यक्रम भी हो रहे हैं, श्री श्री का कार्यक्रम भी उसमें से एक कार्यक्रम है, और इसके अलावा हमने देखा कि कुछ व्यस्त समय दिल्ली का शादियों के लिहाज से भी था, तो ट्रैफिक और दूसरे लिहाज से बारिश का क्या असर पड़ा दिल्ली और एनसीआर पर? बिल्कुल प्रवीण, बारिश से जो मुश्किलें थी ट्रैफिक की वो और ज्यादा बढ़ गई। पहले तो यही था कि वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के लिए कई रूट डायवर्शन किए गए थे, उससे भी ट्रैफिक जाम लगा ही हुआ था डीएनडी सरायका लेखा उसके आसपास के इलाकों में, लेकिन बारिश होने की वजह से ट्रैफिक जाम और ज्यादा बढ़ गया वहां पर, और इसी तरीके की परेशानी भी नजर आई है। जहां तक वेन्यू की बात की जाए तो वेन्यू में भी लोगों को और आर्टिस्ट जो वहां पर पहुंचे थे देश विदेश से उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पे किसी तरीके से कोई इंतजाम नहीं है बारिश से बचने के लिए। वहां जो प्लास्टिक शीट्स लोगों को पड़े हुए मिले उसी से लोग बचते बचाते नजर आए हमें वहां पर। आज भी अगर बारिश होती है जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है, मौसम विभाग ने साथ में यह भी कहा है कि ओले भी पड़ सकते हैं, तो फिर से एक बार दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लोगों को जो वहां पर वेन्यू में इस वक्त मौजूद होंगे। आज क्योंकि शनिवार का दिन है तो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होने की संभावना है, ये लोग त्यों के दिन अपने घर से बाहर निकलते हैं। बहुत शुक्रिया पायल, हम अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी। वहीं यमुना किनारे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के मेगा शो का आज दूसरा दिन है। आर्ट ऑफ लिविंग ने इस कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कल से ही रुक रुक कर हो रही बारिश ने मुश्किलें काफ़ी बढ़ा दी हैं। आज सुबह होने वाले सभी कार्यक्रमों को बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा। आज सुबह योग और ध्यान का कार्यक्रम होना था, लेकिन बारिश की वजह से लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। आप सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं, पंडाल और आसपास का पूरा इलाका बारिश की वजह से भीग चुका है बुरी तरह से, और कच्चा रास्ता होने की वजह से भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस जगह पर पहुंचने में। यमुना के किनारे लगे इस 1200 फीट लंबे और 40 फीट ऊंचे भव्य स्टेडियम में, जहां कल पूरी तरह से ये स्टेज आर्टिस्ट से भरा हुआ था, देर रात हुई भारी बारिश के चलते पूरा स्टेज खाली है। कल यहाँ आर्टिस्ट की भीड़ थी, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हमने आपको दिखाया किस तरह से एकदम रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था, लेकिन अब एक भी इंसान यहाँ मौजूद नहीं है। सुबह 6 बजे यहाँ पर प्रोग्राम होना था, मेडिटेशन का प्रोग्राम होना था, स्वयं रविशंकर यहाँ रहने वाले थे, लेकिन पूरा प्रोग्राम बारिश के चलते धुल गया। पूरी हमें यहाँ से आपको अगर स्टेज से हम आपको दिखाएं, कुर्सियां यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आने वाले थे, पूरा स्टेज पूरा मैदान सब खाली पड़ा है, सन्नाटा पसरा पड़ा है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि कल भी यहाँ पर इसी तरह से बारिश होगी, आज भी रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोग्राम धुल गया है। अभी सुबह के सारे प्रोग्राम जितने भी होने थे, मेडिटेशन होना था, सब धुल गया है, लेकिन शाम के प्रोग्राम्स कैसे होंगे, उनमें उनके लिए क्या क्या यहाँ पर तैयारियाँ होंगी, क्या बंदोबस्त होगा, वो अभी देखना बाकी है। इस पूरी जानकारी के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए, मेरे सहयोगी
पुजारी के साथ मैं शीतल नांदल, IBN 7।